लाहौर के इलाके टाउनशिप में कब्र का हसूल अजाब बन गया। जिंदा भी दर बदर, मुर्दा भी दर बदर, जाएं तो कहां जाएं, मुर्दे कहां दफनाएं। इलाका मकीनों का मोहम्मद सरफराज खान की क्यादत में इत्तेजाजी मुजाहिरा। वज़ीर आला पंजाब, जगह फराहम करें। सैकड़ों मकीनों का मुतालबा। कब्रिस्तान की जगह टाउनशिप, कब्रिस्तान की जगह टाउनशिप, कब्रिस्तान की जगह टाउनशिप में जमीलुद्दीन फाउंडेशन के जेर एहतमाम टाउनशिप कब्रिस्तान के संगीन तरीन दरीना मसाइल पर ताजरों और समाजी नुमाइंदों ने साबका जनरल कौंसलर मोहम्मद सरफराज खान, चेयरमैन नदीमुद्दीन कुरैशी, महमूद जफर काजी की क्यादत में एक इत्तेजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर दो गज जगह न मिले कोहे यार्ड में, मुर्दे कहाँ दफनाएं, घरों में या पार्कों में, जिंदा भी दर बदर, मुर्दा भी दर बदर के नारे दर्ज थे। सदर फाउंडेशन मोहम्मद सरफराज खान और दीगर नुमाइंदगान ने चलता टीवी के नुमाइंदा वहीद भट्टी से कुछ इस तरह इजहार ख्याल किया। आइए मुलाहिजा फरमाते हैं। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ कि आपने इस अहम मसले पर आज आवाज उठाई है और आज टाउनशिप के तमाम मकीन सरा पे एहतजाज हैं। इससे पहले भी कई एहतजाज हो चुके हैं लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। मसला ये कि टाउनशिप कब्रिस्तान में अरसे 26 साल से जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वहाँ पर जिसकी भी कब्र की खुदाई की जाए वहाँ खोपड़ियाँ हड्डियाँ निकलना मामूल बन चुका है। इंसानी तस्लील हो रही है जिस घर में कोई फौतगी हो जाए उसके उसका गम कम और नई कब्र के असूल का गम ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अहम मसला वो बयान करना चाहता हूँ ये है कि ग्रीन टाउन में लोग जब मैं तंग होकर वहाँ जाते थे तो हम दफना लेते थे, वहाँ जगह मौजूद है, बोए हाथ काफ़ी जगह मौजूद है, वहाँ पर भी ग्रीन टाउन के जो मकीन हैं या मकामी लोकेलिटी के लोग हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने टाउनशिप के लोगों को वहाँ पर दफन करने से मना कर दिया। ये मसाइल हमारे मजीद बढ़ गए हैं। आज आपके चैनल से वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर अपील करते हैं कि टाउनशिप कब्रिस्तान की फिल फौर जगह फराहम की जाए, जगह यहाँ मौजूद हैं, हमें सिर्फ जगह दी जाए। अब सर मसला इतना दरीना हो गया है कि अब हम कब्र पे मुर्दा दफनाने की ख्वाहिश भी जाहिर नहीं कर सकते। एक एक कब्र में आठ आठ दस दस बंदों का हमें उतारना पड़ता है, तो उसमें हमारे वालदैन भी होते हैं, हमारे बहन भाई भी होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, जो हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। एक एक कब्र पर दो दो हमने वो अंधेरियाँ बनाई होती हैं, दो दो तख्तियाँ लगाई होती हैं। आप विज़िट करें आपको ऐसी कई आपको ना सोहो के हिसाब से ऐसी कब्रें मिल जाएंगी जहाँ पे दो एक ही कब्र पे दो दो हमने ढेरियाँ बनाई हैं, उस कब्र में कितने ही उतरे हुए नीचे।